हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी पूरी बनकर तैयार हो गई है और इसे मैंने पानी में तला है। तो अभी जो है पानी वाली पूरी जो है काफ़ी ट्रेंड में है, तो अभी मैं सोच रही थी मैं भी पानी में पूरी तलकर देखती हूँ। तो इसे मैंने किस तरीके से बनाया है आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूरी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को आटे की तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितने लोगों का बनाना है। और थोड़ा सा इसमें हम लोग दही डाल देंगे, 2 चम्मच दही जो है, थोड़ा सा खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा 2 चम्मच दही, थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से हम लोगों को इसे मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम लोगों को आटे को लगा लेना है, यानी गूँथ लेना है। जिस तरह से नॉर्मल रोटी का आटा हम लोग गूँथते हैं, उसी तरह से इस रोटी के आटे को भी गूँथ लेना है, मतलब पूड़ी के आटे को गूँथ लेना है। थोड़ा सा हार्ड गूँथेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा ही यूज करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल आटा गूँथते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को आटा को तैयार कर लेना है और इसे हल्का सा पानी डालकर 2-3 मिनट के लिए हम लोगों को ढककर जो है वो छोड़ देना है। ज़्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो पूड़ी जो है, जैसे नॉर्मल पूड़ी का आटा हम लोग तैयार करते हैं, उसी तरह से हम लोगों को तैयार करना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं, इसे फूलने के लिए, सेटल होने के लिए। तो अभी 10 मिनट मेरा देखिए हो चुका है। उसके बाद जो है अच्छे से फिर से इसको 2-3 मिनट तक हम लोगों को मसल लेना है। जितना अच्छा आप मसलेंगे उतना अच्छा जो है आपका रोटी बनेगा, पूड़ी बनेगा और उतना अच्छा जो है वो फूलेगा। तो अभी देखिए मेरा आटा जो है पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा हमने सूखा आटा लिया है और अभी हम लोग पूरी की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयां हम लोगों को बनाना है, जैसे तरह से हम लोग नॉर्मल पूरी की लोई बनाते हैं उसी तरह से। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करने वाली हूँ, 4 पूरी बनाकर देखने वाली हूँ। अगर फूल जाता है पूरी तो उसके बाद नेक्स्ट पूरी जो है आगे हम लोग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 4 पूरी का हमने जो है लोई ले लिया है और बाकी 2 लोई इस तरह से बड़ा बड़ा हमने कर दिया है ताकि बाद में ज़रूरत हो तो इसका बना सकेंगे। और अभी हल्का सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, बेल लेंगे। तेल नहीं लगाना है क्योंकि हम लोग जो है पूरी बनाने वाले हैं वो ऑयल फ्री बनाने वाले हैं, इसलिए हल्का सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से बेलेंगे तो रोटी जैसे बेलते हैं उसी तरह से, तो बिल्कुल आपकी पूरी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो सारी पूरियों को हमने इस तरह से बेल लिया है, 4 पूरी में बनाने वाली हूँ। तो चारों पूरी को हमने देखिए बेल लिया है और उधर हमने एक छोटा सा पतीला टाइप का है उसमें पानी को हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। पूरी जो है एकदम पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटे साइज़ की पूरियाँ हम लोग रखेंगे। तो अभी देखिए मेरा पानी जो है देखिए गर्म हो गया है, पानी बिल्कुल उबलने लगे तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरी जो है एक एक करके डालेंगे। देखिए पानी मेरा उबलने लगा है और मैंने पूरी को पानी में डाल दिया है। और ये देखिए मेरा पूरी डालते ही पानी में ये पहले जो है नीचे जाके बैठ जाएगा। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। और जैसे जैसे पूरी जो है सीझेगी ना, वो खुद ब खुद जो है वो ऊपर आना शुरू कर देगी। तो हल्का सा अगर लगता है कि आपका चिपक रहा है पूरी, तो एक बार इस तरह से कर दीजिए, हिला दीजिए और पूरी जो है धीरे धीरे अपने आप अलटते पलटते जो है ऊपर आ जाएगी। देख सकते हैं आप पूरी जो है वो, मतलब पानी जिस तरह से खोलते हुए पानी में डालते हैं तो पानी थोड़ा देर के लिए ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये जो है पूरी जो है जब हम लोग डालते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। तो अभी देखिए धीरे धीरे करके जो है पूरी जो है अपने आप खुद ऊपर आके तैरने लगी है। तो थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, पूरी को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। आपको दिख जाएगा पूरी जो है आटा जो है हल्का हल्का सूखा सूखा दिखने लगेगा। तो इसी तरह से हम लोगों को सारी पूरियों को पानी में तल लेना है। देखिए खुद ब खुद जो है पूरी अपने आप जो है ऊपर आना शुरू हो जाती है, मतलब ऊपर तैरने लगती है। तो ये देखिए पानी जो मैं ऊपर तैर रही है, तब तो एक पूरी जब हो जाती है तो मैं दूसरा पूरी नीचे डाल देती हूँ और ये टेढ़ा हो गया ना पूरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ये खुद ब खुद देखिए इस तरह से करिएगा तो वो फिर अपने से आप क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो टोटल 4 पूरी हमने तला है और हमारे पास जो है एयर फ्रायर है नहीं, तो मैं इसको डालने वाली हूँ ओवन में। तो ओवन में ही मैं इसको करने वाली हूँ, मतलब करके देख रही हूँ कि होता है या नहीं। तो देखिए ओवन में मैंने डाल दिया है और ये घूमना शुरू कर दिया है। ओवन में एक बहुत सारा सेटिंग होता है, तो मैंने जो स्टीम कुक है उस पर सेट कर दिया है और देखते हैं ये कुक हो पाता है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा पूरी जो है ये इस तरह से हल्का हल्का जल गया है, फूलना शुरू हो गया था लेकिन थोड़ा थोड़ा फूला है। और ये देखिए मेरा पूरी जो है कुछ इस तरीके से बना है।
तो फ्रेंड्स मेरे पास एयर फ्रायर था नहीं, तो मैंने ये ओवन में बनाया, कुछ इस तरीके से बना है। हो सकता है एयर फ्रायर में अच्छे से फूल जाती हो पूरी। तो फ्रेंड्स अगर आपको बिना तेल की ही पूरी खाना है तो सिंपल चपाती बना के खा सकते हैं और रोटी बना के खा सकते हैं, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत भी यहाँ पर लग जाता है और काम भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है बिना तेल वाली पूरी, पानी में तली हुई पूरियों का राज कुछ इस तरीके है का है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप भी पानी में तली हुई पूरियाँ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।